तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब आए सरयू राय और रघुवर दास। एनडीए के मंच पर सरयू राय और पूर्णिमा दास साहू एक दूसरे के करीब आए। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सीट पर जीत का दावा किया। पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराने का संकल्प लिया है। जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ रहे हैं सरयू राय, तो वही जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ रही हैं। तो पिछली बार वाली गलती को नहीं दोहराया जाएगा। जमशेदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी है सरयू राय, वही जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास प्रत्याशी है। करीब आए सरयू राय और रघुवर दास, तो एक दूसरे मंच साझा किया। एनडीए के मंच पर सरयू राय और पूर्णिमा दास दोनों ही मौजूद थे। बता दें कल आपको, इन्होंने पूर्णिमा दास ने और सरयू राय ने दोनों ने नामांकन किया। उसके बाद एक कार्यक्रम में दोनों ही एनडीए के मंच पर आमने सामने दिखे, एक साथ आए। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय चुनावी अखाड़े में खड़े हो रहे हैं, तो जमशेदपुर पूर्वी से किस्मत आजमा रही हैं पूर्णिमा दास। रघुवर दास की बहू है पूर्णिमा दास। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? कल की अगर बात कर लिया जाए तो सरयू राय और पूर्णिमा दास दोनों एक साथ मंच पर दिखे एनडीए के, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो राजनीतिक है और यही राजनीतिक है कि जब राजनीतिक में कोई दुश्मन नहीं होता है, राजनीतिक दुश्मन अलग है और जो व्यक्तिगत जो दुश्मनी है वो अलग है। और यही कल दर्शाया कि एक स्टेज पर सरयू राय जो रघुवर दास के खिलाफ लगातार वो मुखर थे, लगातार हमलावर होते थे, रघुवर दास को कैसे पटकनिया दे जिसको लेकर वो एक भी कोर कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन ये कल का जो दृश्य था वो ये साफ कर दिया कि वाकई राजनीतिक में कोई दुश्मन नहीं होता है। वो सिर्फ दुश्मन सिर्फ चुनावी दुश्मन होता है, राजनीतिक दुश्मन होता है, लेकिन जिसका व्यक्तिगत दुश्मन कोई नहीं होता है वो यहाँ पर देखने को मिला। सरयू राय और रघुवर दास एक स्टेज पर, ये अपने आप में ये कह रहा है कि निश्चित तौर पे कि अब एनडीए जो है वो एक मुश्त वो ये चाहता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो व्यक्तिगत दुश्मनी है वो पीछे रखें और सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए काम करें। वो ये दृश्य यहाँ पर दिखा कि जो सरयू राय लगातार रघुवर के खिलाफ थे, जो रघुवर जो सरयू राय के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन आज जो है कल का जो दृश्य है वो सब कुछ क्लियर कर दिया कि अब सिर्फ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थ उनके जो सहयोगी दल है उसके साथ मिलकर उन्हें चुनाव लड़ना है झारखंड में। झारखंड की गद्दी जो है वो बीजेपी के कब्जे में हो उसको लेकर इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि वही सरयू राय जो रघुवर दास के खिलाफ लगातार पेपर लेकर बैठते थे, उनका जो कई घोटालों में उनका नाम आया, हालांकि न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया रघुवर दास जी को, क्योंकि रघुवर दास एक ऐसे छवि वाले व्यक्ति हैं जो साफ तौर पे कहा जाता है विकास पुरुष, और क्योंकि अब तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। वो इतने सारे मुख्यमंत्री भी 5 साल के रहे, झारखंड का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो 5 साल तक अपने कार्यकाल को पूरा किया, 25 साल तक अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए, उप मुख्यमंत्री मंत्री भी रहे और अब तो महामहिम भी है। तो वैसे व्यक्ति अगर निश्चित तौर पे वैसे व्यक्ति पर अगर कटाक्ष चल रहा था और जब ये चुनाव के समय में सीधे सरयू राय अब जो है और रघुवर दास दोनों हाथ मिला चुके हैं, उससे पहले थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे कि एक दिन पहले पूर्णिमा दास जो है वो अमरप्रीत सिंह काले के यहाँ, क्योंकि काले से भी रघुवर दास की काफी दूरी थी, उनके यहाँ चले गए। और अभय सिंह की बात कर ले, अभय सिंह से भी रघुवर दास की दूरी चल रही थी, अभय सिंह के यहाँ भी गए। तो जितने लोग थे जो नाराज चल रहे थे, सभी नाराज को जो लोग नाराज है उनको एक सूत्र में बांध दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहू अगर किसी के घर में जाता है और पांव छूकर जब उसे आशीर्वाद मांगता है तो सारे दुश्मनी जो है बड़ों का खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर देखने अगर बहू किसी के पैर छूती हैं, बड़ों के पैर छुएंगी तो बड़ों को आशीर्वाद देना ही पड़ता है, और वही फर्ज निभाया सरयू राय ने। सरयू राय एक बहुत बड़ा बयान भी दिए हैं कि कमल ही लालटेन है और सिलेंडर है, माफ कीजिएगा, और सिलेंडर ही कमल है। इस बयान का क्या मतलब है? सिलेंडर से अलग कमल को ना समझे या कमल से अलग सिलेंडर को ना समझे, क्या कहेंगे?
पूर्णिमा दास अपने जो नाराज लोग हैं, नाराज लोग पास पहुंच रहे हैं। सरजुग राय नाराज थे, उनसे जाके आशीर्वाद मांगी। अब सरजुग राय तो उनके लिए काम करेंगे और वो लोग सरजुग राय के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा और एनडीए की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। जी जी मनोज, जैसे कि आपने कहा कि पूर्णिमा ने सरयू राय के पैर छुए हैं, हमने सवाल पहले किया था, आप सुने नहीं। और इस बीच में सरयू राय ने एक और बयान दिया जनता के बीच में कि सिलेंडर ही कमल है और कमल ही सिलेंडर है, कोई कमल को सिलेंडर से अलग ना समझे, सिलेंडर को कमल से अलग ना समझे। क्या कहना चाह रहे हैं सरयू राय? फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है मनोज से, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरयू राय ने कल जनता के बीच में काफी सारी बातों को रखा है, फिलहाल जो वापसी मतभेद है यहां पर दूर होता नजर आया। सरयू राय रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास एक ही मंच पर अपनी बातों को साझा करते नजर आए। एनडीए के मंच पर सरयू राय भी थे और एनडीए के मंच पर पूर्णिमा दास भी थी। तो फिलहाल आपसी खटास को दूर करते हुए कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। और इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए नजर आए रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास और सरयू राय, दोनों ही एक दूसरे के सामने थे जब पूर्णिमा दास ने रघुवर दास सरयू राय को माफ कीजिएगा उनका जब पैर छुआ। तो जब भी कोई बहू या कोई छोटा पैर छूता है तो बड़े का फर्ज होता है कि वो उनको आशीर्वाद दे, और ये फर्ज बखूबी निभाया सरयू राय ने। फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चुनावी अखाड़े में क्या कुछ प्रदर्शन होता है और क्या कुछ जनता अपना निर्णय लेती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और